फ्राइडे, सो टुडे वी ड्रॉ लोटस। ठीक है, आज हम लोटस बनाना सीखेंगे। लोटस क्या होता है बताओ? लोटस क्या है? कमल का फूल। ठीक है, आप सभी बच्चे देखेंगे मैम किस तरीके से लोटस बना रही है, आपको भी उसी तरीके से अपनी ड्रॉइंग में बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये मैं क्या ड्रॉ कर रही हूँ, ये लोटस की पेटल्स है। क्या है ये? पेटल्स है, पेटल्स यानी कि पंखुड़ियां। ठीक है, और मुझे एक बात बताओ, लोटस कहाँ पे होता है बताओ? पानी के अंदर होता है ना लोटस, वॉटर में। लोटस का पौधा आपके घर में है क्या? नहीं है ना, तो ये जो लोटस होता है वो गमले में नहीं होता, कहाँ होता है बच्चों? पानी में होता है, कीचड़ में। ठीक है, ये इसकी थोड़ा सा देखिए बच्चों, इस तरीके से आपको लोटस ड्रॉ करना है। ठीक है ना, ये देखो, इसको बोलते हैं हिंदी में कमल का फूल। क्या बोलते हैं बच्चों? कमल का फूल। कैसा बनाया है हमने? अच्छा बनाया कि नहीं? आपको भी इसी तरीके से अच्छा अच्छा बनाना है। ठीक है, तो इसका नेम क्या है? इसको बोलते हैं बच्चों लोटस। क्या बोलते हैं? लोटस। लोटस यानी कि कमल। कमल लोटस यानी बच्चों कमल। तो कमल में किस चीज कैसा कलर होता है, यानी कि लोटस का जो फ्लावर होता है बच्चों वो किस कलर का होता है? वो होता है पिंक कलर का। तो आपको यहाँ इसमें पूरा पिंक कलर करना है, सुंदर सुंदर कलर करोगे, बहुत सुंदर कलर कि मैम को देख के बहुत अच्छा लगे। अब मैंने यहाँ पे पिंक लिखा है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे पिंक लिख दोगे, मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको रिमाइंड रहे कि लोटस किस कलर का होता है, लोटस कौन सा फ्लावर है, नेशनल फ्लावर है ना हमारा, नेशनल फ्लावर कौन सा है? लोटस है, यानी कि कमल का फूल है। ठीक है, तो ये हमने आज क्या सीखा? लोटस बनाना सीखा। आपको इसके अंदर कौन सा कलर करना है? पिंक कलर करना है, और सब बच्चों को खुद ड्रॉ करना है। और ये लोटस की पेटल्स है। ठीक है, और जो इसके नीचे की डंडी होती है वो किस कलर की होती है? एज ऑलवेज ग्रीन कलर। ज्यादातर फ्लावर की जो नीचे की डंडी होती है वो कैसी होती है? ग्रीन होती है। तो इसकी भी कैसी होती है? लाइट ग्रीन। और आप इसमें सुंदर से पिंक कलर करोगे, ऊपर ड्राइंग लिखोगे, लोटस लिखोगे, क्लास वर्क भी लिखोगे। ठीक है ना बच्चों, क्लास वर्क लिखोगे। और